हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो चाइना में लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि ओमिक्रोन का नया वेरिएंट जो है वो चाइना में आ चुका है, जिसकी वजह से लगातार कोविड केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे भी पड़ रहा है और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चाइना जो है वो क्या कर रहा है इस नए सर्ज को लेके, उनकी क्या पॉलिसी चल रही है, और साथ ही साथ देखेंगे इंडिया पे इस चीज का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो चाइना में लगातार कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। थर्ड कंसेक्यूटिव डे चाइना में जो सर्ज है वो देखने को मिली है, और इसमें अगर देखा जाए तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, और ये एक बहुत ही बड़ी कंसर्न की बात है। अब इसको लेके क्या चाइना कर रहा है, चाइना की क्या पॉलिसी चल रही है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ शी जिनपिंग चाइना क्या क्या चीजें जो है वो फॉलो कर रहा है ताकि ये जो कोविड है उसको खत्म कर सके। तो इन्होंने जो नए क्वारंटीन सेंटर्स है उसका फास्टर कंस्ट्रक्शन, बहुत तेजी से ये कंस्ट्रक्शन करानी शुरू कर रहे हैं। नए हॉस्पिटल्स जो है वो कर रहे हैं ताकि अगर इन केस जो कोविड के सर्ज है और ज्यादा इंक्रीज होते हैं तो इनके पास हर चीज अवेलेबल हो, प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल। मोर ओवर ये फील्ड ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपने रेजिडेंट्स को एडवाइस किया है कि आप अपने घरों को मत छोड़िए। तभी जो इनके जो रेजिडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, जितने भी सुपर स्टोर्स है, सुपर मार्केट्स है, वहां से बल्क में सामान परचेज कर रहे हैं, अपने घरों में स्टोर कर रहे हैं ताकि इन केस अगर लॉकडाउन जो है वो लंबा चले तो अल्टीमेटली उनके पास कुछ सर्वाइव करने के लिए चीजें अवेलेबल हो। क्लासेस की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और साथ ही साथ ये एक जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। अब जीरो कोविड पॉलिसी के अंडर क्या है, ये फॉलो कर रहे हैं कि जो भी अगर मान लो सपोज कोई भी केस मिला उसको फाइंड करना, टेस्ट करना, ट्रेस करना, आइसोलेट करना, और अल्टीमेटली उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। बिकॉज अगर ये जो पॉलिसी अगर फॉलो करेंगे तभी जो कोविड के केसेस है वो चाइना में डिक्रीज होंगे। बट इनकी जो जीरो कोविड पॉलिसी है अब ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज लेके आ रही है। बिकॉज जीरो कोविड पॉलिसी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिए। इन्होंने जो लॉकडाउन है वो इम्पोज कर दिए कई जगहों पे, जो रैपिड टेस्टिंग है वो चल रही है। अब लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा चैलेंज देखने को मिल रहा है बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो डिस्ट्रप्ट हो चुकी है। एप्पल के प्लांट में भी देखा होगा, चाइना का जो लार्जेस्ट प्लांट है वहां पे भी जो वर्कर्स हैं उन्होंने काफी हद तक प्रोटेस्ट किया था इन केस लॉकडाउन वाले डिसीजन को लेकर। बिकॉज एक बात तो सिंपल है ना, लोग कितनी देर तक लॉकडाउन में रहेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली उनको कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बिना वो अपने घर का गुजारा नहीं कर सके। कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि लोग अपनी सेविंग पर कब तक जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज बनी हुई है चाइना के लिए, और चाइना ये जो चैलेंज है बिकॉज लॉकडाउन चाइना की इकोनॉमी को काफी हद तक डाउन करेगा ही करेगा। ऑलरेडी चाइनीज इकोनॉमी जो है वो सफर कर रही थी, बट इस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन आएगा, स्लो डाउन आने की वजह से इनका जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी कम होगा और लोगों का जो इनकम लेवल है वो भी रिड्यूस होगा। तो एक बहुत ही बड़ा एक कंसर्न है चाइना के लिए और चाइनीज गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो ग्लोबली बेसिकली देखें तो चाइना का जो बिजनेस एक्टिविटीज है काफी डाउन हो रहा है। बिकॉज आपने देखा कि लॉकडाउन लगेगा, अब लॉकडाउन लगेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसरप्ट होगी होगी, जिसकी वजह से काफी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसपे जो स्लो डाउन है वो आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो सकती है। और मेजरली अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं वो काफी ज्यादा वरिड है बिकॉज चाइनीज इकोनॉमी में डिमांड जो है वो काफी रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से, और मेजर स्टॉक मार्केट्स जो है वो डाउन हो चुकी है, ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ ना इसके साथ रीजन लिंक करते हैं, हम कुछ कोरिलेट करते हैं। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक, इस टाइम पे इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। वो प्रॉब्लम क्या है, पहले तो यूक्रेन रशिया वॉर है, उसका पूरी की पूरी दुनिया पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा हुआ है। उसके बाद इन्फ्लेशन चल रही है। अब इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो क्या कर रहा है, अपने जो फेडरल रिजर्व है उनके उसके जो रेट्स है वो हाइक हो रहे हैं। अब फेडरल रिजर्व के रेट हाइक होने की वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, हाइक हो जाएंगे। अब इंटरेस्ट रेट हाइक होने के बाद ये बोरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, और बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो लोग लोन जो होगा वो कम लेंगे। मनी सप्लाई जो है वो टाइट हो रही है, लिक्विडिटी टाइट हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा जो है वो कम आएगा। ये जो कुछ प्रॉब्लम्स है ये चल रही है, और साथ ही साथ अब इस प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम जो है वो एड ऑन हो रही है, वो है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। ऑल्दो देखो कोविड पैंडमिक एज अ पैंडमिक इसको रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट कुछ ना कुछ और चीजें जो है वो साथ में देखनी पड़ेगी। बिकॉज अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डालेगा,
और इससे जो ग्लोबल प्रोड्यूसर है वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गए। जो मेजरली कंट्रीज चाइना को एक्सपोर्ट कर रही है, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये काफी ज्यादा हर्ट होगी बीइंग अ ग्लोबल सप्लायर, बिकॉज इनको अल्टीमेटली होगा क्या, चाइना में इकोनॉमिक एक्टिविटी चल नहीं रही तो चाइना डिमांड नहीं करेगा, डिमांड नहीं करेगा तो जिसकी वजह से इनके जो एक्सपोर्ट्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे और इनको काफी ज्यादा ह्यूज लॉसेज जो है वो फेस करने पड़ेंगे। अब इस सिचुएशन में जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इस सिचुएशन में अगर ये चीज और ज्यादा जुड़ रही है तो इससे प्रॉब्लम और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है। और इन्होंने मेजरली अपने जो पोर्ट रीजन है, अब सिंपल है ना, अगर लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में क्या करेंगे, जो सप्लाई चेन है उसको रोक देंगे, सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन होगा और मेजर जो चाइना के पोर्ट है वो भी डिस्ट्रप्ट होंगे, जिसकी वजह से इन ये जो जिन कंट्रीज में सप्लाई कर रहे हैं, जिन जिन चीजों की जो सप्लाई है इनकी कंट्री से जा रही है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, तो नुकसान बाकी कंट्रीज का भी है। अब मेजरली अगर बात की जाए तो इनका जो ग्वांडोंग प्रोविंस है, अगर इनके 1/3 केसेस की बात करें तो 1/3 केस इनके जो ग्वांडोंग प्रोविंस से आ रहे हैं जो कि हांगकांग के पास है। ये एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है चाइना का, चाइना काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इस एरिया से, और मेजर केसेस अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे काफी जो स्ट्रिक्ट है लॉकडाउन लगा हुआ है, काफी जो पॉलिसी है वो स्ट्रिक्ट है, काफी हार्श डिसीजन लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब इतने बड़े इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले एरिया में अगर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है चाइना पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ पूरी दुनिया पे भी पड़ेगा। अब हमें एक चीज जरूर देखनी है कि इस कोविड के केसेस के जो इंक्रीज हो रहे हैं चाइना में, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो मेजरली अगर बात की जाए तो इंडिया पे इसके दो तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहली बात तो रिडक्शन इन एक्सपोर्ट्स टू चाइना, बिकॉज देखो अगर चाइनीज इकोनॉमी जो है वो लॉकडाउन के अंडर है तो चाइना में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन आएगा ही आएगा, और हमारे एक्सपोर्ट्स चाइना में चाहे जितने भी जा रहे हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे एक्सपोर्ट्स चाइना में इतने ज्यादा नहीं है। मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना से काफी कम है, हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल है, नियर अबाउट $75 बिलियन, जो पहले 9 months का डेटा था उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए। बट फिर भी हम कुछ ना कुछ जो मेजर आइटम्स है चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से कुछ इंजीनियरिंग गुड्स भी हैं। अब इंजीनियरिंग गुड्स में देखा गया कि काफी ज्यादा रिडक्शन आया था हमारे एक्सपोर्ट्स में, रीजन यही था बिकॉज चाइना में स्लो डाउन चल रहा है और ये स्लो डाउन और चीजों को भी इम्पैक्ट कर सकता है। और दूसरी चीज अगर देखी जाए तो क्या एक दूसरा कोविड सर्ज आने वाला है, ये जो बेसिकली न्यू वेरियंट है ओमिक्रोन BF.7, इसकी वजह से इस टाइम चाइना में जो है वो सर्ज देखने को मिल रहे हैं। ये ऑलरेडी US में भी आ चुका है, यूरोप में भी आ चुका है, US और यूरोप की में भी इसकी वजह से काफी जो राइज है वो केसेस में देखने को मिला है। बट अगर देखा जाए तो इंडिया में क्या ये देखने को मिला, एक केस इंडिया में भी आइडेंटिफाई किया था। तो अभी हम बात करें कि पैंडेमिक क्या खत्म हुआ, तो पैंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ हमें राइज देखने को जरूर मिलेगा। अगर मान लो सपोज कहीं बहुत ज्यादा गैदरिंग हो रही है, कहीं पे फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो उस टाइम पे जब क्राउड इकट्ठी होगी तो कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है, तो इस चीज को लेके हमें बहुत ज्यादा कंसर्न करने की रिक्वायरमेंट है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मास्क जरूर वियर करें जब भी हम क्राउड वाले एरियाज में जा रहे हैं, बिकॉज हम ये जो दूसरा कोविड का सर्ज है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले ही इतना जो कोविड है उसने काफी ज्यादा इकोनॉमिकल डिजास्टर कर दिया हमारी कंट्री के लिए, मोर ओवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूरी दुनिया में चल रहा है और ये जो चीज है वो हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल ही खत्म करके रख सकती है, तो इस चीज का ध्यान हमें ही रखना है। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स हैं साथ के साथ मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।